नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। शिवराज कैबिनेट में एक बार फिर से मंत्रियों के बीच नोकझोंक की खबरें सामने आ रही है। इस बार ये मामला नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शिवराज सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे और एमएसएमई मंत्री ओपी सकलेचा इस बात को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर और चिंतित दिखे कि नर्सिंग कॉलेजों में लगातार गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है, खासतौर से नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन को लेकर के। दरअसल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार के सामने नर्सिंग कॉलेजों में 305 पदों को भरने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों के लिए टीचर और अन्य कैडर के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में जो नर्सिंग कॉलेज हैं, इनमें करीब 305 पद जो हैं वो भरे जाने हैं, इसकी स्वीकृति दी जाए। लेकिन इसी बीच जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है यशोधरा राजे, उन्होंने ये कह करके बातचीत को बीच में रोक दिया कि फिलहाल नर्सिंग कॉलेजों में बार बार गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है, उन गड़बड़ियों पर तो रोक लगाई जाए। यशोधरा राजे का इतना कहना था कि एमएसएमई मंत्री हैं ओपी सकलेचा, वो भी सामने आ गए। उन्होंने भी कहा कि कई ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और गड़बड़ी बहुत ज्यादा है, मसला गंभीर है और इसकी वजह से सरकार की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने जब ये बातें कही तो उस समय तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे शिवराज सरकार के, वो भी बैठे हुए थे, मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। इनके बीच में ही ये बातें उठी तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि इस तरीके से हर विभाग में बार बार बातचीत होगी तो इससे कैबिनेट का समय जो है वो ज़ाया होगा। बेहतर ये होगा कि जो भी मसले सामने आ रहे हैं, जो गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं, अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनसे बात की जा सकती है। यानी यशोधरा राजे और ओपी सकलेचा को कहा गया है कि वो नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों की जो बात कह रहे हैं, इस पर वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से अलग से बैठ करके बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के बीच में गड़बड़ियों की ये खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी यशोधरा राजे और अरविंद सिंह भदौरिया के बीच नोकझोंक की खबर सामने आ चुकी है और इसके बाद यशोधरा राजे और मंत्री जो है प्रभुराम चौधरी, उनके बीच भी गड़बड़ियों की जो नोकझोंक है उसकी खबर सामने आई थी। हालांकि कैबिनेट की जो बातचीत होती है वो पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड होती है। कैबिनेट से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के मंत्री बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग के अलावा। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के बीच नोकझोंक की खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी परेशान कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने इस बार मंत्रियों को साफ कह दिया है कि अगर उन्हें किसी विभाग से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो संबंधित विभाग के मंत्री से अलग से बैठ करके बात कर सकते हैं, बनिस्पत कैबिनेट में इसकी चर्चा करने की बजाय, क्योंकि चुनावी साल है, कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले होने हैं आचार संहिता के लगने से पहले और ऐसे में कैबिनेट का समय बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अगर किसी तरीके की कोई समस्या किसी विभाग को लेकर के आ रही है तो शिवराज सिंह चौहान ने सलाह दी है कि मंत्री जो हैं वो उसे संबंधित विभाग के मंत्रियों के समक्ष ही रखें ताकि कम से कम चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले कैबिनेट में जितने ज़्यादा हो सके उतने महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकें।